हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एमकेआर किचन में। आज एमकेआर किचन में हम बनाने वाले हैं छोटा छोटा सा भूख के लिए एक स्नैक्स जो बहुत ही टेस्टी है, पोहा आलू चीजी कटलेट, जो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है और बड़ों का भी दिल खुश हो जाएगा। इस रेसिपी को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आलू पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पोहा 2 कप, और प्याज को हमने चॉप कर लिया है 2 बड़े साइज का प्याज को, और हरी मिर्चों को हमने चॉप कर लिया है, और धनिया पत्ता इसमें ज़्यादा पड़ती है, और आलू को हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोहा धो लेंगे, इसे चूड़ा भी कहते हैं। तो धो कर थोड़ा सा पानी में भिगो देंगे, 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। हमारा 5 मिनट हो चुका है तो हमारा पोहा जो है वो अच्छी तरह से भीग चुका है। अब हम पानी को छान लेंगे और सारा पानी निकाल लेंगे, इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो पानी निकल जाएगा। देखिए पूरा ड्राई हो चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में पोहा को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे पहले। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने बॉईल किया हुआ आलू रखे थे वो भी डालेंगे, और हरी मिर्चों को डाल देंगे। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और भी आपको अगर इसमें वेजिटेबल डालना है, गाजर शिमला मिर्च, तो आप डाल सकते हैं कॉर्न। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, और अगर आप नींबू का रस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, और बेसन डालेंगे 2 चम्मच। अगर हमें और बेसन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम हाथ धो लेंगे, और 2 चम्मच मैंने लिया है मैदा, और 2 चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, इसका घोल हम बना लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, और ये थोड़ा सा चीज़ हमने लिया है मोजरेला चीज़। अब हाथों को तेल लगाएंगे और हम इसमें टिक्की का शेप देंगे। बीच में हमें क्या करना है, थोड़ा सा डीप कर कर इसमें हमें चीज़ भरना है। तो इस तरह से हम चीज़ रखेंगे। अच्छी तरह से हम चीज़ रखने के बाद बंद कर देंगे, क्योंकि ऑयल में डालने के बाद ये फट भी सकता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले 2 फ्राई कर लेंगे, तेल में डालेंगे अगर फटती है कि नहीं देखने के लिए। अब हम जो हमने घोल बनाया था मैदा और कॉर्नफ्लोर का, उसमें हम पहले डिप करेंगे, उसके बाद हम एक फॉक की सहायता से निकालेंगे, और ब्रेड क्रम आपको ताज़ी लेनी है, क्योंकि ताज़ी ब्रेड क्रम से ही जो क्रिस्पी टिक्की बन के तैयार होती है। तेल को हमने गर्म कर लिया था, हमने 2 छान कर भी देखा तो हमारा ये ठीक ठाक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम में ही हमें सारे कटलेट को फ्राई करना है। एक एक करके हम डालेंगे। फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा, पहले आप गरम कर लीजिए उसके बाद आप मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि चीज़ है तो चीज़ अंदर तक पकना है, मेल्ट होना है चीज़ को, तो हमें मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। अब हम पलट देंगे। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि तभी तो आप मेरे नए नए वीडियो देखने पाएंगे। तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं इसी तरह एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।